पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य नवजोत सिंह सिद्धू ने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो अपनी पत्नी समेत आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सिद्धू ने पार्टी क्यों छोड़ी और पंजाब चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, आइए देखते हैं रिपोर्ट। सोमवार का दिन बीजेपी के लिए बड़ा झटका लेकर आया। पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े चेहरे नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। सिद्धू के साथ साथ उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। अपने इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, पंजाब के सारे रास्ते मेरे लिए बंद थे, सही गलत की लड़ाई में तटस्थ नहीं रह सकता था। मैं पीएम मोदी के कहने पर राज्यसभा सांसद बना था, लेकिन ये बोझ और नहीं ढोना चाहता। साफ है कि क्रिकेट की पिच पर विपक्षी टीम के छक्के छुड़ा देने वाले इस खिलाड़ी ने अब बीजेपी की ही खिल्ली उड़ा दी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने सिद्धू का स्वागत किया है। वैसे नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी काफी वक्त से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अमृतसर सीट से सांसद सिद्धू का टिकट काटकर उनकी जगह अरुण जेटली को पार्टी कैंडिडेट बनाया था, लेकिन पार्टी का यह दाव उल्टा पड़ा, जेटली चुनाव हार गए। तब से ही सिद्धू पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। वैसे लोकसभा चुनाव के वक्त भी चर्चा थी कि सिद्धू आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं, लेकिन उस वक्त सिद्धू ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। वहीं बीजेपी से नाराजगी दूसरा बड़ा कारण शिरोमणि अकाली दल माना जा रहा है। सिद्धू को एंटी बादल नेता माना जाता है। अकाली दल से सिद्धू की तकरार हरियाणा चुनावों के दौरान भी दिखी थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पहले इस बात के संकेत दिए थे कि सिद्धू को पंजाब बीजेपी में महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है, लेकिन सिद्धू को राज्य में अहम जिम्मेदारी सौंपकर वे अकाली दल से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्हें बाद में राज्यसभा में मनोनीत कर दिया गया। पंजाब में चुनाव से पहले सिद्धू का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान है। सिद्धू न सिर्फ पंजाब में बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय स्टार प्रचारक थे। नवजोत सिंह सिद्धू 2004 में बीजेपी से जुड़े। सिद्धू 2004 में अमृतसर से सांसद चुने गए। 2007 में हुए उपचुनाव में सिद्धू फिर अमृतसर से सांसद चुने गए। 2009 के आम चुनाव में तीसरी बार अमृतसर की सीट से सांसद बने। 2014 में बीजेपी ने नवजोत सिंह सिद्धू का टिकट काट दिया। 28 अप्रैल 2016 को सिद्धू ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। 18 जुलाई 2016 को नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू काफी वक्त से पंजाब की राजनीति में काम कर रहे हैं और लोग उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। ऐसे में सिद्धू का बीजेपी छोड़कर आप में जाना पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी और अकाली सरकार पहले ही जनता की नाराजगी झेल रही है। ऐसे में चुनाव से कुछ वक्त पहले सिद्धू का आम आदमी पार्टी में शामिल होना बीजेपी की छवि को काफी प्रभावित करता है। वहीं आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता को जनता के बीच मजबूती देने का काम भी करता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का रुतबा काफी बढ़ा है। ऐसे में अब अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी सिद्धू को पंजाब में सीएम पद का उम्मीदवार बना सकती है, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए इससे निपटना काफी बड़ी चुनौती होगी। बीबी लाइव। नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पंजाब के सियासी समीकरण काफी बदलेंगे, लेकिन सिद्धू के इस कदम के बाद अब बीजेपी क्या कदम उठाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। देखते रहिए टीवी लाइव।